उधर बीएसपी के पूर्व नेता जुगल किशोर ने कहा है कि अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया होता तो नतीजे कुछ और होते हैं। आज स्थिति यह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी मायावती ने निकाल दिया है, क्या वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है? जो प्रश्नोत्तर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भेजा है उसमें इशारा किया कि उनसे कुछ मांग की जा रही थी। बहुजन समाज पार्टी अपने कर्मों के आधार पर गर्त में जा रही है। जब समय था बसपा को सुधरने का, चुनाव से पहले अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मायावती जी ने पार्टी से निकाल दिया होता तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी कुछ अच्छा बेहतर, इससे अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का सबसे कोई अगर नुकसान किसी ने किया है तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने किया है, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न। जब सरकार थी, सरकार के पीरियड में सबसे ज़्यादा विभाग इनके पास थे, कोई इनके पास काम लेके जाता तो उसे किनारे ले जा कर के उनके कार्यकर्ता पैसे की मांग करते थे और अपने लोगों से बिना पैसा लिए कोई भी काम नहीं करते थे। और अलग से एक जो बेअंदाज में बदतमीजी कही जाए, जो भी कहा जाए, ये बदसलूकी कही जाए, कार्यकर्ताओं के साथ करते थे।